खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हिमानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 8 दिसंबर को दो दिवसीय दौरे पर देहरादून आएंगी। इस दौरान वह यहां द प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड स्टेट स्थित आशियाना में रात्रि विश्राम करेंगे। जिलाधिकारी ने राष्ट्रपति के दौरे को लेकर तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने ड्यूटी में तैनात रहने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को 72 घंटे पहले आरटीपीसीआर टेस्ट कराने के निर्देश भी दिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 8 दिसंबर को देहरादून पहुंचेगी। इसके बाद वह राजभवन जाएंगी। 8 दिसंबर को राष्ट्रपति के आने से पहले अब तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि 8 दिसंबर को राष्ट्रपति पहले लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी मसूरी में भावी आईएएस ऑफिसर्स को सम्मानित करेंगी। इसके बाद दिन में दून विश्वविद्यालय में जाएंगी। वहीं आपको बता दें कि इसके बाद दिन में दून विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि भी शामिल होंगी। दून विश्वविद्यालय की कुलपति सुरेखा डंगवाल ने बताया कि राष्ट्रपति के दौरे की तैयारी तेज कर चुके हैं। अब बताया जा रहा है कि विवि के समारोह में करीब 650 छात्र छात्राओं को डिग्री दी जाएगी। वहीं करीब 36 को गोल्ड मेडल और 16 लोगों को पीएचडी अवार्ड मिलेंगे। वहीं आत्मनिर्भर भारत में अपना योगदान देने वाली महिलाओं को भी राष्ट्रपति सम्मानित करेंगे। वो सम्मानित करेंगी, उनसे वो बातचीत करना चाहेंगी, क्योंकि स्वयं में हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट एक विमेन एम्पावरमेंट की एक जीती जागती प्रतिमूर्ति हैं। तो वो उन सारे विमेन अचीवर्स को जिन्होंने ग्रास रूट से उठकर अपने को सिद्ध किया और जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत में एक बिल्कुल निर्णायक संदेश दिया, ऐसी महिलाओं से भी बात करेंगी। उसका वेन्यू भी दून विश्वविद्यालय में रखा गया है। मेरे द्वारा और एसएसपी साहब के द्वारा सभी विभागों के साथ बैठक की गई और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कंसर्न डिपार्टमेंट्स की, स्पेशली बिजली पानी रोड जिनकी व्यवस्था सुचारू रूप से चलनी चाहिए, उनके सभी के इंस्ट्रक्शंस दिए गए। प्लस जो जहां कार्यक्रम प्रस्तावित है उसका भी भ्रमण किया गया और जो भी व्यवस्थाएं करनी है। वहीं प्रदेश की राजधानी देहरादून में विश्व दिव्यांग दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य स्तरीय दक्षता पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के सीएम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस अवसर पर सीएम ने 32 दिव्यांगजनों को प्रशस्ति पत्र, मेडल, मान पत्र एवं 5,000 की धनराशि देकर सम्मानित किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर दिव्यांगजनों के लिए चार घोषणाएं करते हुए कहा कि दक्ष दिव्यांग कर्मचारी को राज्य स्तरीय पुरस्कार के रूप में दी जाने वाली राशि 5,000 रूपये से बढ़ाकर 8,000 रूपये की जाएगी। दिव्यांगजनों को विभिन्न सहायक यंत्र, कृत्रिम अग्रम अनुदान की धनराशि 3,500 रूपये से बढ़ाकर 7,000 रूपये की जाएगी। दिव्यांग पेंशन योजना को सरल बनाते हुए इसमें उन ऐसे सभी दिव्यांग को पेंशन के लिए शामिल किया जाएगा जिनके पुत्र या पौत्र 20 वर्ष से अधिक आयु के हों। दिव्यांगजनों को परीक्षाओं में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक में 5% की भी छूट दी जाएगी। आज के इस अवसर पर दिव्यांग व्यक्तियों के सेवाजीत अधिकारियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार के रूप में जो राशि 5,000 रुपये दी जाती थी उसको हमने 8,000 रुपये करने का निर्णय लिया है। दिव्यांगजनों को जो अपने सहायक उपकरणों के लिए जो 3,500 रुपये की धनराशि मिलती थी उसको 7,000 रुपये करने का भी हमने आज यहाँ पर निर्णय लिया है। और साथ ही जो वृद्धावस्था पेंशन में कुछ जटिलताएं आ रही थी जिनके पुत्र पौत्र 20 साल से अधिक हो जा रहे थे तो उसको भी सरलीकृत करते हो उनको भी। उत्तराखंड के लोक भाषा पर आधारित गढ़वाली फिल्म मेरू गो का शुभारंभ मुख्यमंत्री धामी की पत्नी गीता धामी ने किया। इस दौरान शहर के मेयर सुनील उनियाल गामा, सूचना महानिर्देशक बंशीधर तिवारी सहित कई फिल्मी कलाकार भी पहुंचे। आपको बता दें कि देहरादून के राजपुर स्थित एक निजी सिनेमा हॉल में फिल्म का विमोचन किया गया। इस दौरान स्थानीय लोगों में भी उत्साह देखने को मिला। हमारी गंगोत्री फिल्म्स के द्वारा आज मेरे गांव यहाँ पे फिल्म का उद्घाटन हुआ है। बहुत ही सुंदर
अपने पहाड़ों की जो है संस्कृति को परंपरा को पूछा भाषा को दर्शाती है। ये पिक्चर जो है हमारे सभी को जो है अपनी संस्कृति से जोड़ने का काम करती है, और एक तरफ जहां ये हमारे दर्शकों का मनोरंजन करेगी और साथ ही साथ हमारी लोगों को अपनी जो है पीढ़ियों को अपनी भाषा से अपनी परंपरा से जोड़ने का। दिल्ली के एक होटल मालिक की आत्महत्या के मामले में उत्तराखंड के एक आईपीएस अधिकारी का नाम सामने आया है। आरोप है कि उक्त अधिकारी होटल में पार्टनर था और होटल घाटे में चलने के कारण अधिकारी लगातार अपने रुपए वापस मांग रहा था। घटना के बाद से महकमे में एक खलबली मच गई है। आपको बता दें कि पुलिस मुख्यालय की ओर से दिल्ली पुलिस को पत्र भेजा जा रहा है ताकि पुलिस अधिकारी का नाम उजागर हो सके और जांच कराई जा सके। देखिए, एक सोशल मीडिया में पोस्ट आया था कि कोई व्यक्ति वहां पे दिल्ली की ज्यूरिस्डिक्शन में सुसाइड कर लिया है, और उस पे उन्होंने कुछ ऐसी बात बताई या क्या, हमें भी क्लियर नहीं है। इस संबंध में हमने दिल्ली पुलिस से एक रिक्वेस्ट किया है कि इस पे पूरा जड़ तक जाए, तहकीकात करें, पूरा जांच करा के इस पे जो तथ्य है, जो फैक्ट है वो सामने लाए। देवनगर शक्ति फार्म के रहने वाले परितोष महंत ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस मामले पर ग्राम प्रधान नारायण सरदार ने बताया कि बीते दिन फाइनेंस वाले इनके घर पर आए थे और उन्होंने इनको गाली गलौज कर बुरा भला बोला था, जिसको लेकर परितोष के घर में कलह मच गया। आपको बता दें कि परितोष के परिवार वाले बाहर गए हुए थे, तभी मौका देखकर उन्होंने फांसी लगा ली। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और आगे की जांच में जुट गई। जिस दिन ये घटना हुई उससे पहले वाले दिन जो बजाज फाइनेंस कंपनी के लोग जो है दावेश दिए थे इनके घर पे और धमकी दे के गए थे कि पैसा नहीं देगा तो उठा के ले जाऊंगा। फिर जाने के बाद जो है उनके घर में क्लेश हुआ है। उसके बाद उसकी घरवाली जो है ननद के वहाँ चली गई थी, उसकी मम्मी लड़की के वहाँ चली गई, घर में अकेला था। उसके बाद जब रिश्तेदार आए थे घूमने के लिए तो रिश्तेदार ने देखा दरवाजा खुला हुआ है और फंदा लगा के उनका, उसके बाद गाँव वाले ने मुझे। जिला अल्मोड़ा में जमराडी बखरिया के पास एक सड़क हादसा हो गया। हादसे में बारात में आ रही एक ऑल्टो कार दुर्घटना का शिकार हो गई। इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, आपको बता दें कि, और दो लोग घायल भी हो गए। घायलों को इलाज के लिए धोलछीना के सीएचसी में भर्ती करा दिया गया है। अल्मोड़ा से आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां बारात के लिए जा रही कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और ये पूरा मामला जमराडी बखरिया के पास हुआ। वहीं सड़क हादसे में चार लोगों की मौत भी हो गई और साथ ही दो लोग घायल भी हो गए, जिन्हें अब अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं चमोली में 28 साल के युवक विपिन रावत की मौत का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि 23 नवंबर को विपिन रावत के साथ कुछ युवकों ने देहरादून में मारपीट की थी। मारपीट में गंभीर रूप से घायल विपिन को इंद्रेश अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। युवक की मौत से नाराज परिश्रों और कांग्रेस विधायक बद्रीनाथ ने हॉस्पिटल में जमकर हंगामा किया। परिश्रों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस की लापरवाही की वजह से आरोपियों को जमानत नहीं मिल पाई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश के सीएम से मांग करते हुए कहा कि उत्तराखंड की कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, लगातार हत्याओं के मामले बढ़ते जा रहे हैं, साथ ही इनको रोकने के लिए जल्द से जल्द ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। इसी के साथ उन्होंने इस मामले में डीजीपी अशोक कुमार को भी हटाने की मांग की है। नितिन रावत के ऊपर आक्रमण होता है, कुछ अनजान लोग आगे बहुत बेसबॉल के बैट से उसकी पिटाई करते हैं। रिपोर्ट होती है, थाना इंचार्ज लगातार लड़के के पिता पे आरोप वो लगा दबाव डाल रहा होता है कि आप कंप्रोमाइज कर लीजिए, लेकिन बहुत बुरी हालत थी, इनने कंप्रोमाइज नहीं किया। बहुत हल्की धाराएं लगाई गई और वो जब लड़का विपिन रावत सुबह 3 बजे मरता है, उसकी मृत्यु हो जाती है अस्पताल में, तब वो आनंद फानंद में उसको गिरफ्तार करते हैं और इतनी हल्की धाराएं लगाते कि हाथ वाथ उससे जब
वही खबर सितारगंज से है, जहां प्रशासनिक अधिकारियों ने तोड़फोड़ की। हालांकि कुछ दुकानदारों ने स्टे ऑर्डर भी दिखाया, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की तोड़फोड़ जारी रही। मौके पर मौजूद दुकानदारों ने विरोध भी जताया, लेकिन तोड़फोड़ लगातार जारी रही। आपको बता दें कि दुकानदारों का कहना है कि उप जिला अधिकारी से बात भी की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। साथ ही कहा कि परिवार का पालन पोषण इसी दुकान से चलता है। दुकानदारों ने कहा कि इसके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे और अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम आगे धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। सितारगंज से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां प्रशासनिक अधिकारियों ने दुकानदारों के साथ दुकानों पर तोड़फोड़ किया और साथ ही दुकानदारों ने रोष भी जताया। शकील अहमद और एक शहीद है, शायद बुरा नाम उनका है, तो ये दो लोग जो है कि माननीय हाईकोर्ट गए थे और हाईकोर्ट ने जो है इनको इनकी दुकानों को हटाने से 28 तारीख तक रोक लगा दी है। जैसे ही लोक निर्माण विभाग को ये कल पता लगा, उनके काउंसलर द्वारा हो सकता पता लगा, हो सकता क्या पता लगा ही होगा, काउंसलर बता ही देते हैं। जैसे ही पता लगा कि भाई शकील अहमद और एक और भूरा है जिनका नाम था शहीद अहमद है, उन लोगों को कोर्ट ने उनको उनके दुकानों से हटाने के इन पर रोक लगा दी है, तो तुरंत इन्होंने क्या करा, आज सुबह सुबह के टाइम पे ये आए, जैसे ही दिन निकला हमारा 6-7 बजे जब भी आए होंगे, ये आए और वो जब तक घर से अपने दुकान तक आ पाता तब तक उसकी दुकान उजाड़ दी। मैं यहाँ 20 साल से अपनी रोजी रोटी कमा रहा था और मेरे बच्चे पढ़ रहे थे, मेरे पास कोई अपनी संपत्ति नहीं है, मेरे पास कोर्ट का स्टे आया हुआ था, उसके बावजूद भी मेरी दुकान खटा दी, सब खत्म कर दी। और मैंने SDM साहब से भी कहा, उनसे हाथ जोड़ के खुशामद करी, साहब इसके ऑर्डर है कुछ दिन का समय दे दो, मगर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और वो चले गए। परेशान हूँ, मेरे पास कोई अपनी संपत्ति नहीं है, अब मैं कहाँ रोजी रोटी कमाऊंगा। वही उत्तराखंड के पौड़ी में हुए अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार राज्य सरकार पर हमलावर है। वहीं प्रदेश भर में आज भाजपा सरकार का पुतला फूंका गया। हरिद्वार में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चंद्राचार्य चौक पर प्रदेश सरकार का पुतला फूंका और अंकिता भंडारी हत्याकांड की CBI से जांच कराने की मांग की। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार जानबूझकर अंकिता हत्याकांड को दबाना चाहती है। साथ ही उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार के राज में बेटियों की हत्या हो रही है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। वहीं कांग्रेस नेताओं ने अंकिता भंडारी हत्याकांड की CBI से जांच कराने की मांग की और साथ ही दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की भी मांग की। इतना ही नहीं, मांगे ना पूरी होने पर उन्होंने उग्र आंदोलन करने की भी चेतावनी दी। हरिद्वार से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार का पुतला फूंका है और साथ ही मामले में CBI जांच कराने की मांग भी की है। ये तस्वीरें आपको हरिद्वार से दिखा रहे हैं। देखिए, जैसा कि आप सबको जानकारी है कि जो अंकिता हत्याकांड हुआ था उसमें जो लोग लिप्त हैं, ये भी सभी को विदित है कि उसमें भाजपा के नेता लिप्त हैं और भाजपा सरकार पूरी तरह से अपने लोगों को सहयोग करने का काम कर रही है और इस केस को दबाने का काम कर रही है। यहीं तक ही नहीं, जो उसके खिलाफ सबूत हैं, जो दोषियों के खिलाफ सबूत हैं, उन्हें भी मिटाने का काम लगातार भाजपा सरकार के माध्यम से प्रशासन कर रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इसको लेकर किसी भी तरह से चैन से नहीं बैठेगी और सड़कों पर उतरकर लड़ने का काम करेगी। साथियों, अभी कुछ दिन पहले हरिद्वार के एक रिसोर्ट में, जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का, पूर्व मंत्री का है, उसके पुत्र ने अपनी ही कर्मचारी अंकिता भंडारी की निर्मम हत्या कर दी गई थी। उसमें 3 आदमी तुरंत, जिन्होंने स्वीकार किया था कि यह हत्या उनके द्वारा की गई है, उनको तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था। परंतु साथियों, आज के सारा केस खुलने के बाद भी आज इस केस की लीवापोती की जा रही है। इस केस को बंद करने की तरफ ले जा रहे हैं। विधानसभा में विधानसभा के मंत्री द्वारा कहा जा रहा है कि वो VIP कोई नहीं था, VIP कमरे हर होटल के अंदर होते हैं। शर्म आनी चाहिए, इनके घरों में कोई ना कोई अंकिता होगी, जिस तरह से इन्होंने इस हत्याकांड पर मट्टी डालने का काम कर रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री राजकीय महाविद्यालय में छात्र नेताओं ने तालाबंदी की। आपको बता दें कि मौके पर पुलिस पहुंची, लेकिन छात्र नेताओं की तालाबंदी फिर भी जारी रही। इस दौरान प्राचार्य समेत अन्य शिक्षक भी महाविद्यालय के अंदर नहीं जा सके।
छात्र नेताओं ने मांग करते हुए कहा कि जब तक छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित नहीं कर दी जाती तब तक उनका धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा, साथ ही तालाबंदी भी जारी रहेगी। छात्र नेता महेश बिष्ट देवेंद्र सिंह नैनवाल ने अपने संयुक्त बयान में कहा कि यह लंबे समय से ज्ञापन देने के बावजूद भी अभी तक छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित नहीं की गई है। ऐसे में उनके प्रमुख मांगे हैं जब तक छात्र संघ चुनाव की तारीख घोषित नहीं की जाती तब तक उनकी तालाबंदी और धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। ऐसा है, छात्रों ने हमें ये ज्ञापन दिया है कि ये छात्र संघ चुनाव की इनकी डिमांड है और जो हमने अपने उच्चाधिकारियों को इनका ज्ञापन प्रेषित कर दिया है और जैसा कि हमें निर्देश प्राप्त होंगे उस हिसाब से हम कार्यवाही करेंगे आगे। हमारी तो मांगे वैसे कई सारे, तो हमारी मुख्य मांग है कि छात्र संघ चुनाव जल्दी से जल्दी कराया जाए। जैसा कि हम उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी ने कई बार हमको आश्वासन तो मतलब दे रखे हैं कि छात्र संघ चुनाव कराए जाएंगे, पर ये खाली आश्वासन देने इस बात को टाल दिया जा रहा है बार बार। यहाँ पे जब तक छात्र संघ की तिथि घोषित नहीं होगी तब तक हम यहाँ पे तालाबंदी रखेंगे। हमारी मांगे यह है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही कॉलेज के अंदर और हमारे ऊपर से कोई डेट नहीं आ रही है। कॉलेज प्रशासन से कहा जा रहा है तो कॉलेज प्रशासन बोल रहा है कि ऊपर से कोई डेट नहीं आएगी तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। हमारी मांगे, मुख्य मांगे जो है छात्र संघ चुनाव को करवाने के लिए है और जो मतलब मुख्य मांगों में हमारी कुछ मांगे ऐसी हैं जैसे एमएससी की कक्षाएं संचालित हो और एमए आए यहाँ और काफी जैसे लाइब्रेरी में पूर्ण व्यवस्था हो, किताबों की आपूर्ति हो। महिलाल कुआ के लाल बहादुर शास्त्री राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एक दिवसीय नशा उन्मूलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में एडिशनल एसपी सिटी व एसएचओ लालकुआ ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर विद्यालय के छात्रों ने नशा उन्मूलन को लेकर कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में शिरकत करते हुए एडिशनल एसपी हरवंश सिंह ने छात्रों को नशे से दूर रहने और नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस को जानकारी देने की अपील की। एडिशनल एसपी ने सभी छात्रों और छात्राओं को पुलिस के ऐप के साथ भी जुड़ने के लिए जागरूक किया। नशा उन्मूलन कार्यक्रम में लालकुआ के एसएचओ डीआर वर्मा, एसआई त्रिभूषण सिंह, एसआई वंदना चौहान के साथ कई छात्र मौजूद रहे। परिणामों के बारे में विचार बताया है और नशा एक बहुत ही सामाजिक बुराई है, इसको समाप्त करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2025 का टारगेट रखा हुआ है, उसके लिए हम लोग पूरा पुलिस विभाग लगातार प्रयासरत है और हम आशा करते हैं कि जो हम प्रयास कर रहे हैं इसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे और बच्चे अपने कैरियर को अच्छा बनाएंगे और नशे से दूर रहकर अपने जो उनका परम उद्देश्य है, जो मुख्य उद्देश्य है, जो मुख्य लक्ष्य है, उसकी तरफ अग्रसर होंगे। नशा उन्मूलन प्रकोष्ठ के अंतर्गत कार्यक्रम रखा गया जिसमें एसपी सिटी हल्द्वानी मिस्टर हरविंद सिंह सर आए थे और एसएचओ लालकुआ मिस्टर आरडी वर्मा सर आए थे तथा उनके साथ में उनकी पूरी टीम आई थी जिन्होंने हमारे छात्र छात्राओं को बहुत ही अच्छी जानकारी दी नशे से दूर रहने के लिए। तस्वीरें आपको लाल कुआं से दिखा रहे हैं जहां पुलिस ने छात्रों को जानकारी दी है और साथ ही नशा उन्मूलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये तस्वीरें लाल कुआं से आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां छात्रों ने कार्यक्रम के दौरान प्रस्तुति दी और साथ ही आपको बता दें कि नशे को लेकर ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें स्कूली छात्रा भी मौजूद रहे और साथ ही एडिशनल एसपी भी पहुंचे। तो तस्वीरें आपको लालकुआं से दिखा रहे हैं जहां नशा उन्मूलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दौरान एडिशनल एसपी सिटी और एसएचओ लालकुआं ने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही इस मौके पर विद्यालय के छात्रों ने नशा उन्मूलन को लेकर कई कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में शिरकत करते हुए एडिशनल एसपी हरवंश सिंह ने छात्रों को नशे से दूर रहने और नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस को जानकारी देने की अपील की है। तो तस्वीरें आपको लालकुआं से दिखा रहे हैं जहां नशा उन्मूलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और कार्यक्रम के दौरान स्कूली छात्रा भी मौजूद रहे, साथ ही छात्रों ने कई प्रस्तुति भी दी। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने छात्रों को जानकारी देते हुए बोला कि हमें नशे से दूर रहना है और साथ ही नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस को जानकारी दें।
नशे के दुष्परिणामों के बारे में विचार बताया है और नशा एक वही भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने की खुशी में देश भर की 100 ऐतिहासिक और राष्ट्रीय इमारतों को रोशनियों से नहलाया गया। साथ ही G20 के लोगों के साथ जगमग किया गया। इस सभी धरोहरों में उत्तराखंड से इकलौते जगेश्वर मंदिर समूह को भी शामिल किया गया। दिल्ली से पहुंची टीम ने जगेश्वर मंदिर को सतरंगी लाइटों से सराबोर कर दिया। ये इमारतें अगले एक हफ्ते तक सतरंगी लाइटों के साथ चमकेंगी। आपको बता दें कि भारत को G20 की अध्यक्षता का गौरव प्राप्त हुआ है। इस खुशी में सांस्कृतिक मंत्रालय ने देश के 100 प्रमुख शहरों को अगले 7 दिनों तक रंग बिरंगी लाइटों से सजाने का फैसला लिया है। संस्कृति मंत्रालय ने लाइटिंग के लिए उत्तराखंड में जागेश्वर मंदिर समूह को भी देश के 100 धरोहरों में शामिल किया है। इसके लिए पुजारियों ने भारत सरकार का आभार भी व्यक्त किया है। आज विशेष हर्ष का विषय है कि भारत सरकार द्वारा भारत सरकार को G20 की अध्यक्षता का मौका मिला। इस अवसर में भारत सरकार द्वारा भारत में समस्त 100 ऐसे आध्यात्मिक क्षेत्र और पर्यटक क्षेत्र चुने गए जिनमें एक आध्यात्मिक क्षेत्र जागेश्वर धाम है। इससे जो 100 प्रसिद्ध इमारतों को अनुसंधान के लिए कार्य किया गया उसके लिए भारत सरकार का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और क्षेत्रीय जो अभी ब्राह्मण के ऊपर जो हर्षोल्लास का कारण है और यहाँ पर पर्यटन की स्थिति जो दिनों दिन बढ़ती रहती है उसके लिए पुनः भारत सरकार का धन्यवाद। तो खबर आपको अमरोहा से बता रहे हैं जहां G20 की अध्यक्षता मिलने की खुशी में देश भर की 100 ऐतिहासिक और राष्ट्रीय इमारतों को रोशनी से नहराया गया है। आपको बता दें कि G20 के साथ साथ जगमग किया गया है। साथ ही उत्तराखंड से इकलौते जगदेश्वर मंदिर समूह को भी इसमें शामिल किया गया है। आपको बता दें कि इमारतें अगले एक हफ्ते तक सतरंगी लाइटों के साथ ही चमकेंगी। तो आपको बता दें कि G20 की अध्यक्षता का गौरव भारत को प्राप्त हुआ है और इसी खुशी में सांस्कृतिक मंत्रालय ने देश के 100 प्रमुख शहरों को अलग अलग 7 दिनों तक रंग बिरंगी लाइटों को सजाने का फैसला लिया है। तो ये तस्वीरें भी आपको अमरोहा से दिखा रहे हैं जहां जगेश्वर मंदिर भी रोशनी से सजेगा। आज विशेष फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।